खरगोन जिले में स्वास्थ्य विभाग की नर्सेस ने अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग पूरी करने की गुजारिश की है। बता दें कि हॉस्पिटल में नर्सों का विशेष योगदान रहा, जिन्हें अस्पताल की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऐसे में लंबे अरसे से नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर सरकार से बार बार मांग कर रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को कर्मियों ने अस्पताल के सिविल सर्जन को महत्वपूर्ण मांग पूरी करने के नाम पर ज्ञापन सौंपकर आगामी समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दिया गया है पिछले 8 वर्षों से शासन द्वारा नर्सेज की बहुत सारी मांगे लंबित है और उसको हमेशा अनदेखा किया जा रहा है, जबकि नर्सेज एक ऐसी चिकित्सा में एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना समस्त अस्पताल असहाय हो सकते हैं उनके कार्य को रोका जाने पर। और इतने समय से हमारे मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, क्योंकि नर्सिंग कैडर एक ऐसा है जो शांत होकर काम करना पसंद करता है और ये लंबित मांगे बहुत समय से और जो हमारे स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचा रहा है काफी लंबे समय से। बहुत सारी मांगे ऐसी है जैसे हमारा पदनाम चेंज किया जाए, ऐसी बहुत सारी मांगे है जैसे हमारी वेतन ग्रेड हमारी चेंज की जाए। ये बहुत समय से लंबित मांगे है और शासन इसको काफी समय से अनदेखा कर रहा है। इसी संबंधित में हम चरणबद्ध आंदोलन करने की लिए हम लोग क्या आंदोलन किस तरह का कर रहे हैं जी, किस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं? ये तीन चरणों में आंदोलन किया जाएगा। अभी तो ये सांकेतिक विरोध है, आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि काली पट्टी बांधी गई है, ये सांकेतिक विरोध है ताकि शासन तक थोड़ी सी बात पहुंचे शायद हो सकता है, पर अगर यदि ये नहीं होता है तो फिर चरणबद्ध तरीकों से आंदोलन भरपूर मजबूती से किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा जैन है। एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों के लिए ज्ञापन दिया है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पूर्ण रूप से उनकी मांगों के समर्थन में है और यदि नर्सेज एसोसिएशन की मांग नहीं मानी गई तो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भी इनके साथ आंदोलन करने के विवश होगा। तो हम शासन से निवेदन करते हैं कि नर्सिंग एसोसिएशन की मांग जायज है, इसे पूर्ण किया जाए, वरना हम मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भी पूर्णतः इनके साथ। क्या नाम है आपका? आरएस खांडे। खरगोन से यूडी न्यूज के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।